करवा चौथ की भोज की थाली बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखें पकौड़े की कढ़ी कितनी लाजवाब है, कितना अच्छा टेक्सचर है। देखिए जीरे वाले कितने बढ़िया है, बिल्कुल खुल के कलर आ रखा है। ये सब्जी देखिए बिल्कुल मसाले वाली, बहुत ही पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। और सेमिया देखिए क्या लाजवाब, बिल्कुल कितना सुंदर लुक लग रहा है इसका। ये देखते हैं करवा चौथ की थाली किस प्रकार बनती है। चैनल हमेशा की तरह मैं ये कहूंगी, सबसे पहले सीआई कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम बनाएंगे करवा चौथ पर स्पेशल थाली जो इजी तरीके से बन जाए। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ी बनाएंगे, पकौड़े की कढ़ी। तो मैंने ये 250 ग्राम दही लिया है। तो इसके अंदर हम बेसन की 3 चम्मच डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, दही और बेसन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा, एक कप कर लूंगी। ये मैंने दही के अंदर बेसन को अच्छे से घोट लिया है। मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, रिफाइन ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे। इसमें हम हरी मिर्च और हींग सिर्फ 2 का ही प्रयोग करेंगे अभी। अब इसमें हम ये घोल डालेंगे, गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। मैं 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ, इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा नमक, चलाते रहेंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसको स्टीर करते रहेंगे बॉईल होने तक। कढ़ी बॉईल हो चुकी है, गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे और इसको एज इट इज ही हम पकने देंगे थोड़ी देर। ये मैंने बेसन लिया है, 1 कप बेसन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, थोड़ा गुनगुना पानी डाल देंगे हम इसमें। मिक्स करके हम अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं पकौड़ों के लिए। ये बैटर रेडी हो चुका है पकौड़े का। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है पहले से ही, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। वैसे मैंने पहले पकौड़े की कढ़ी बनाई है, वीडियो बनाया है पकौड़े की कढ़ी का, बट वो प्याज के पकौड़े की कढ़ी है। ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि व्रत में हम प्याज लहसुन कुछ भी यूज नहीं करते हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू के ऊपर पकौड़े निकाल लिए हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू ले लेगा। मैंने सारे कढ़ी में डाल दिए हैं। अब गैस पे मैंने पैन रख दिया है, 1 चम्मच घी डाल दिया है इसमें। घी में चोखा लगाऊंगी मैं इसके अंदर में ये मेथी, सौंफ, जीरा, राई, लाल मिर्च और हींग का तड़का लगाऊंगी, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये थोड़ा चटक जाए उसके बाद में मैं कढ़ी में डाल दूंगी। और धनिया पत्ता हम डाल देते हैं, ढक देते हैं और इसको रख देते हैं। और नेक्स्ट हम बनाएंगे आलू की सब्जी, तो जिसके लिए मैंने आलू पहले से बॉईल कर लिए, अब मैं इसको छील लूंगी।
मैंने छिलके चॉप कर लिए हैं इसको, और एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, और इसमें मैंने पैन रख दिया है पहले से ही, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये खड़े मसाले डालूंगी, एक साबुत लाल मिर्च, चुटकी भर हींग, दालचीनी, राई, जीरा और एक इलायची इसके अंदर हम डाल देंगे। और मैं इसमें टमाटर चॉप किए हुए डाल दूंगी। गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे, साथ ही साथ हम हरी मिर्च दो और अदरक वो हम डाल देंगे इसमें। मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया था, मिक्स कर देंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देंगे, ढक देंगे, 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे। मैं इसमें नारियल का बूरा मिक्स कर रही हूँ, इसमें कटे हुए चॉप किए हुए आलू हम डाल देंगे। अब हम इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे। कलर तो बहुत अच्छा आया है विदाउट लहसुन प्याज के, और ना ही ज्यादा इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। नेक्स्ट थोड़ा गरम मसाला मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल खिल के आ रहा है, खाने में तो और भी टेस्टी होएगा। अब गैस ऑफ कर देंगे हम। अब एक बॉल में हम इसको निकाल लेंगे। धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। वाओ बहुत बढ़िया, फिर हम आपको अच्छे से सर्व करके दिखाएंगे बाद में। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं अब सेवैयां बनाऊंगी, तो मैंने ये रोस्टेड सेवैयां ली है, ये 1/2 कप सेवैयां है, और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। उसमें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे सेवैयां को, पहले से ऑलरेडी है फिर भी हम थोड़ा सा कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा खाने में। ये रोस्ट हो चुकी है क्योंकि ऑलरेडी पहले से थी। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध मैंने 1/2 kg दूध लिया है, अब इसको उबाल आने तक हम इसको स्टीर करते रहेंगे। ये देखिए कुक हो चुकी है सेवैयां, अब मैं इसमें पूरा लाल दूध मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो चीनी भी यूज कर सकते हैं, बट मैं पूरा यूज करती हूँ। अब इसको 5 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे। अब हम इसमें ये 10-11 किशमिश है, और 4 से 5 पिस्ता और इलायची पाउडर, ये मैं इसमें डाल दूंगी, और गैस को हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाले हैं, तो मैं जीरे वाले चावल बनाऊंगी, तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। ब्राउन हो गया है जीरा, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी, थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको 5 मिनट तक हम थोड़ा सा गैस पे रखेंगे, उसके बाद हम इस गैस ऑफ कर देंगे।
परोस के दिखा रही हूँ। जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अनदर रेसिपी के साथ।